एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हुनिदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ मेरे पास जो क्वेरीज आ रही हैं कि पीरियड्स के कितने दिन के बाद गर्भ नहीं ठहरता है और पीरियड्स के कितने दिन बाद गर्भ ठहर सकता है। तो आज मैं इन दोनों सवालों के जवाब आपको देने जा रही हूँ और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका गर्भ ठहर गया है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लेडीज शादी के तुरंत बाद कंसीव करना चाहती हैं, मां बनना चाहती हैं और कुछ लेडीज कुछ टाइम के लिए अवॉइड करती हैं प्रेगनेंसी को। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अगर मां नहीं बनना चाह रही हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किस टाइम वो कंसीव नहीं करेंगी, किस टाइम उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए और किस टाइम आप उनको अपना ध्यान से करना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओवुलेशन आप सभी को पता होगा। ओवुलेशन टाइम क्या होता है? आपकी पीरियड डेट से लेकर के जो पीरियड डेट के पहला दिन होता है उस दिन से लेकर के जो 14वां दिन होता है उस दिन से आप काउंट करेंगे, जो 14वां दिन आपका बैठेगा वो आपका ओवुलेशन डे होता है। तो हर किसी का ओवुलेशन डे अलग अलग होता है, तो आपको आपकी जो प्रेगनेंसी है वो इसी पर डिपेंड करती है। तो पीरियड साइकिल आपको पता ही है, किसी की 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की होती है, किसी की 32 डेज की होती है, सबकी अलग अलग साइकिल होती है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रही हूँ आपके ओवुलेशन डे का समझने का। तो आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि आपका ओवुलेशन डे कब होगा। तो उस टाइम पर अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो उन दिनों में आप इंटरकोर्स करें, अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो उन दिनों को आप इंटरकोर्स से अवॉइड करें। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा चांसेस प्रेगनेंसी के कब होते हैं। तो सबसे ज्यादा चांसेस प्रेगनेंसी के उन दिनों में होते हैं जब आपका ओवुलेशन टाइम होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? आपकी ओवरी में, आपकी जो उसमें ओवरी है उसमें एग रिलीज होते हैं। जब वो एग रिलीज होता है तो उस एग से आपके हस्बैंड के सेल मिलकर तभी तो बेबी बनता है। तो वो दिन आपकी प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो वो दिन कौन सा होता है? वो दिन आपका होता है आपकी जो पीरियड डेट है उसके पीरियड डेट से आप पूरे उस पहले दिन से लेकर के जो 14वां दिन होगा, 14वां दिन आपका ओवुलेशन डे होगा। 14, 15, 16 उन दिनों में किसी भी दिन आपका एग रिलीज हो सकता है। तो इन दिनों में आप अगर कंसीव करना चाहती हैं तो इन दिनों में आप आराम से इंटरकोर्स करें इन 4-5 दिनों में लगातार। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, जो एग होता है, लेडी का जो एग होता है वो 12 से 48 घंटे तक ही जिंदा रहता है और जो आपके हस्बैंड के सेल यानी कि स्पर्म होते हैं वो सिर्फ 5 से 7 दिन तक आपके अंदर जिंदा रह सकते हैं। तो आपका जो मेन चीज है एग कब रिलीज हो रहा है, जिस टाइम अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, एग रिलीज हुआ उसी टाइम आपको सेल्स मिल गए तो आप आसानी से कंसीव कर लेती हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि जो लेडीज कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो उनको ये दिन अवॉइड करने चाहिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पीरियड के 1 दिन से 10 दिन के बीच का जो टाइम होता है उन दिनों में आप आराम से इंटरकोर्स करें, ये दिन आपके सेफ डेज हैं, इन दिनों में गर्भ बहुत कमी से ठहरता है। पीरियड के 11 दिन से 20वें दिन के बीच का टाइम सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। पीरियड के 21वें दिन से 30वें दिन के बीच के जो होते हैं उसमें कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कब आपको प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं और कब आपको अवॉइड करना है। तो ये सब चीजें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप कंसीव कर ली हैं, जैसे आपको अपने ओवुलेशन टाइम पर ट्राई किया है और उसके बाद आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है 2-3 दिन के बाद, आपको गैस बहुत ज्यादा बन रही है, आपको क्रैम्पिंग फील हो रही है, आपको नोजिया जैसे वोमिटिंग जैसा हो रहा है, तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इसके कुछ दिन के बाद आपको 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपको इम्प्लांटेशन होता है, आपको हल्का सा ब्लड आ सकता है। तो ये प्रेगनेंसी का सबसे आसान लक्षण है, आप आसानी से पहचान सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक